बहुत इंतजार करवाया, बहुत ज्यादा इंतजार करवाया। फाइनली KGF चैप्टर 2 के ट्रेलर ने जो धमाका किया है भाई भाई, पहले पुष्पा, फिर RRR और अब KGF 2, बहुत लोग खतरे में हैं। भाई लोग मेहनत बढ़ा दे रहा, फिर कहना मत कि ये कब हुआ। सबसे पहले व्हाट अ म्यूजिक, उसके बाद रॉकी भाई की एंट्री, गजब। उसके बाद संजय दत्त की एंट्री, एक्चुअली शब्द नहीं है। लगता है इंडियन सिनेमा के सारे रिकॉर्ड्स चकनाचूर होने वाला है इस बार। KGF में गरुड़ा को मारने के बाद क्या हुआ, यहां से होती है शुरुआत, मतलब सीधा मुद्दे पे। ये बढ़िया था गुरु। उसके बाद एक के ऊपर एक सबकी पंचलाइंस, डायलॉग्स पर गौर करना, जब कहानी और किरदार इतने ज्यादा स्ट्रांग हो तो उनके शब्द बहुत ज्यादा स्ट्रांग होने जरूरी है, उनके लेवल के होने जरूरी है, और KGF के राइटर्स ने फोड़ दिया है। उसके बाद लाइटिंग्स की बात जरूर से करना चाहूंगा, क्योंकि शायद इसके ऊपर सबका ध्यान ना जाए, लेकिन मैं आपको बता दूं, ये कहानी और किरदार जो हमको इतना उभर कर दिख रहे हैं, हम कहानी के साथ इतना जुड़ जाते हैं, इतना कनेक्शन फील करते हैं ना, हमको जो मजा आ जाता है, इसके अंदर इन लोगों की लाइटिंग्स का बहुत बड़ा रोल है। जस्ट वाओ। अब आते हैं रॉकी भाई के ऊपर। वैसे फिल्म के अंदर तो ये देश का सबसे बड़ा मुद्दा बन ही चुके हैं, लेकिन अब ट्रेलर के बाद सही मायनों में हो जाएगा क्लास परफॉर्मेंस भाई, क्लास परफॉर्मेंस। सिर्फ उछल कूद करने से या फिर सिक्स पैक एट पैक बनाने से हीरोइज्म नहीं आता है, बंदे में दम होना बहुत जरूरी है। KGF 2 से बहुत सारे लोगों को बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। और यश ने जिस तरीके से रॉकी का किरदार निभाया है, जब भी वो फ्रेम में आते हैं, वी कैन लिटरली फील दैट कि तुम लोग जितना दम है लगा लो, तुम्हारा बाप आ गया है। ऑडियंस को यह फील होना जरूरी है जब हीरो फ्रेम में आता है। इस बार की कहानी और दिलचस्प इसलिए होगी क्योंकि हीरो विलन दोनों साइड्स तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है ही, लेकिन पॉलिटिक्स जैसे फैक्टर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगे ये डिसाइड करने में कि KGF का असली बाप कौन है। बे लड़ाई उस सिंहासन की है जिसके लिए सब लोग किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है, उस गद्दी के लिए इंसानों की बलि भी कोई मायने नहीं रखती है। अब ऐसे जुनून के अंदर कौन किस पर भारी पड़ेगा, यह तो 14 अप्रैल को ही पता चलेगा। वैसे 14 अप्रैल तक वक्त कैसे निकालेंगे, आई थिंक ये बहुत मुश्किल टास्क करेगा हम सब के लिए। रवीना टंडन, प्रकाश राज, संजय दत्त के साथ साथ हर एक कलाकार ने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है। आई थिंक KGF 2 ऑस्कर लेवल की फिल्म होगी। क्या लगता है आपको, जो कभी नहीं हुआ क्या वो इस बार होगा? क्या इस धमाके की गूंज ऑस्कर तक जाएगी? कमेंट करके बताओ, हमेशा की तरह बिंदास बताओ। स्टे ट्यून, मिलते हैं बहुत जल्द। बाय, टेक केयर, जय हिंद।